आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ। आज की खास खबर, थाने के दीवा शहर में शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन। हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले महीने नीलेश पाटिल भाजपा छोड़ शिवसेना में हुए शामिल, जिन्होंने आज दीवा शहर साबे रोड स्थित शिवसेना कार्यालय का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम नगर सेवक रमाकांत मड़वी के नेतृत्व में आयोजित किया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही और इस शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन कल्याण लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के कर कमलों द्वारा किया गया। आगे देखिए एचएनआई लाइव पर पूरी खबर विस्तार से। ऑफिस का तो मुझे लगता है कि आज नीलेश जी आए हैं शिवसेना में। आज अगर देखोगे दीवा में तो सभी जगह पर सभी हमारे नगर सेवक की ऑफिस है। नीलेश जी ने भी अपना आज ऑफिस खोला है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इस ऑफिस के माध्यम से, शाखा के माध्यम से ज़्यादा लोगों की जो है समस्या यहाँ पर छुड़ाने का काम जो है, सॉल्व करने का काम नीलेश जी के माध्यम से होगा। दीवा में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, उत्तर भारतीयों के लिए क्या वाहन है और किस तरह से इनको आप मैनेज करेंगे? मैनेज करना नहीं, दीवा में उत्तर भारतीय तो बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। उत्तर भारतीयों का भी विश्वास जो है वो दीवा वासियों पर है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए हैं, दीवा में स्थित हुए हैं, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में ही है कि बाकी और राज्यों से लोग जो है वो महाराष्ट्र में आकर रह सकते हैं, वैसे दीवा है, दीवा ने उनको अपने में समा लिया है और उनकी जो जो कठिनाई है वो सॉल्व करने का काम जो है वो दीवा के हमारे सभी नगर सेवक, शिवसेना के सभी पदाधिकारी वो कर रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छा काम जो है जरूर उत्तर भारतीयों के लिए होगा। यहाँ पर माननीय नीलेश जी पाटिल यांना विनंती आहे, आणि पांडुरंगाची मूर्ती देऊन त्यांचं स्वागत करायचं। शिवसेना में मैं भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना में प्रवेश किया, प्रवेश करके मुझे एक महीना हो गया। एक महीने के बाद लोगों को समस्या का निवारण करने के लिए एक कार्यालय की जरूरत थी। माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, इनके हाथ से आज कार्यालय का उद्घाटन किया। लोगों को समस्या का निवारण करने के लिए जगह चाहिए, वो जगह हम लोगों ने उपलब्ध की। ऐसा नहीं कि चुनाव आएंगे वही टाइम पे अपना कार्यालय खुला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 24 घंटा हम लोग लोगों की सेवा में कार्य करते रहते हैं। पार्टी कार्यालय से दीवावासियों के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा शुभेच्छा दीजिए। आने वाले समय में अभी चुनाव का तो मालूम नहीं कितना आगे या क्या नहीं, जैसे बीजेपी में मैं काम करता था उससे अच्छा और इधर काम करने का अच्छा मौका मिला है मुझे। खासदार साहब है श्रीकांत शिंदे साहब, अपने पालक मंत्री एकनाथजी शिंदे साहब है और हमारे स्थानीय नेता दीवा शहर प्रमुख रामाकांत जी मड़वी साहब, उनके मार्गदर्शन में अच्छे काम दीवा में हो रहे और उनके विकास के रथ में मुझे बैठने की इन लोगों ने संधि दी है, तो उनके उनके साथ कंधा में कंधा मिला के मैं काम करना चाहता हूँ। मैं यानंतर माननीय रमाकांत मडवी साहेब यांचंही स्वागत केलं जात आहे। ठाणे उपचार प्रमुख माननीय शैलेश पाटील यांचं स्वागत केलं जातं, यानंतर नगरसेवक अमर पाटील यांचंही स्वागत, माननीय दीपक जाधव, नगरसेवक माननीय
दीपक यादव यांचे स्वागत। नगर सेविका अंकिता पाटील यांचेही स्वागत करत आहे। त्यानंतर दीपाली बदक वहिनी यांनाही विनंती आहे। त्यानंतर नगर सेविका दर्शना मात्रे यांचाही इथं सन्मान करत आदेश भगत यांचा इथं सन्मान केला जातो। यानंतर उपशहर प्रमुख गणेशजी मुंडे यांचंही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जातं।